भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। दुनिया को भारत ने ये एहसास करा दिया है कि वो अब महाशक्ति बन चुका है। यही वजह है कि दुनिया का हर शक्तिशाली देश भारत का साथ चाहता है। इसी कड़ी में खबर आ रही है कि फ्रांस अब क्वाड देशों के साथ शामिल हो सकता है, क्योंकि फ्रांस की नौसेना 5 से 7 अप्रैल को हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड के मौजूदा 4 सदस्य यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास करेगी। बता दें कि संयुक्त अभ्यास के लिए फ्रांस के 2 नौसैनिक जहाज टोनीरे और सुरुकू भारतीय तट पर पहुंचे हैं। इसमें सुरुकू को फ्रांस ने 5 महीने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में तैनात करने का फैसला किया है, यानी कि फ्रांस ने अपने नौसैनिक जहाजों की तैनाती करके संदेश दिया है कि वो अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र और भारत के साथ ज्यादा बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। हालांकि अभी हाल ही में इस बात के संकेत मिले थे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं समान विकास के उद्देश्य से गठित इस संगठन में समान विचारधारा वाले दूसरे देशों को भी शामिल किया जाएगा, और अब जल्द ही फ्रांस भी क्वाड देशों के साथ नजर आने वाला है, जो चीन के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब क्वाड समूह का गठन हुआ था तब भी चीन ने अपना विरोध दर्ज कराया था। लेकिन चीन के विरोध को नजरअंदाज करते हुए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इस समूह का गठन किया। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लैनन ने कहा कि हमारी नौसेनाओं के बीच जिस तरह का भरोसा बना हुआ है उस पर मुझे गर्व है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि फ्रांस के नए नौसैनिक के प्रशिक्षण के लिए हिंद प्रशांत और भारत सबसे पसंदीदा क्षेत्र है। इस संयुक्त अभ्यास को उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र को सभी के लिए खुला और मुक्त होने से भी जोड़ा। दुनिया के इन 4 ताकतवर लोकतांत्रिक देशों के समूह को क्वाड नाम से जाना जाता है, जिसका मकसद भारत प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सहयोग को आगे बढ़ाना है, जिसमें कानून का पालन करते हुए समुद्र और आसमान में आवाजाही की स्वतंत्रता और विवादों का निपटारा शामिल है। ये दुनिया देख रही है कि भारत और फ्रांस की दोस्ती दिन दर दिन, साल दर साल बेहतर और मजबूत हुई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत फ्रांस की दोस्ती देखकर दुनिया दंग है। फिलहाल भारत फ्रांस के मजबूत रिश्ते सिर्फ रक्षा क्षेत्र को लेकर नहीं, बल्कि वैचारिक तौर पर भी दोनों देश एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं।